नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छिंदवाड़ा स्व सहायता समूह की महिलाओं का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पांडुर्ना में आंगनवाड़ी केंद्रों तथा स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाली स्व सहायता समूह की महिलाएं अपनी लंबित जायज मांगे स्वीकृत नहीं होने से आहत होकर सोमवार से तहसील कार्यालय परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन प्रारंभ कर सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाते हुए अपनी मांग करते आ रही है। धरने को लेकर बैठी महिलाओं का आज चौथे दिन भी अनशन जारी है, जिसका नेतृत्व नगर के युवा नेता दुर्गेश उइके द्वारा किया जा रहा है। आज चौथे दिन के अनशन पर बैठी समस्त महिलाओं द्वारा नगर के तहसील कार्यालय धरना स्थल से अपनी मांग रैली निकालते हुए जोरदार नारे लगाते हुए नगर के तीन शेर चौक, नगर पालिका, राजीव गांधी मार्केट से लेकर पुनः तीन शेर चौक होते हुए धरना स्थल पहुंचकर पुनः धरना जारी रखा गया है। स्व सहायता समूह की महिलाओं को समझाइश देने बड़े अधिकारियों द्वारा भी निवेदन किया, परंतु अपनी मांग पूरी नहीं होती तब तक हमारा धरना जारी रहने की बात महिलाओं द्वारा कही गई। पांडुर्ना संवाददाता मनोज कुर्थी की रिपोर्ट। हम शासन प्रशासन से आवेदन निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमारा मानदेय बढ़ा जाए। हमारा मानदेय इतनी बार हमने आवेदन दे दिया है, लेकिन शासन प्रशासन कोई हमारे आवेदन की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम धरना प्रदर्शन बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम हमारे हड़ताल से हटेंगे नहीं, ना बच्चों को खाना देंगे।